जी, मैं यहाँ पे यूके की रहने वाली हूँ और लैंगली से आई हूँ। यहाँ पे हम लोग सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि नवाज शरीफ की जाली हुकूमत को गो आउट कर सकें। ये हमारे हुक्मरान नहीं हैं, इमरान खान सच्चा इंसान है। जो सच्चा इंसान होता है हमेशा फतह उसकी होती है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क फतह मक्का की तरह कामयाब होगा। इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की ये जो एफर्ट्स हैं, ये कोशिशें हैं, ये जो उन्होंने इतना धरना दिया हुआ है, वो डेफिनेटली कामयाब होंगे। हम सब इस यूके के रहने वाले सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी इनको सपोर्ट करते हैं। इनकी जाली हुकूमत, जाली इलेक्शन, जाली वज़ीर, जाली असेंबली, जाली पार्लियामेंट, ये हम नहीं चलने देंगे। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज़ है। मैं इनको बता देना चाहती हूँ, अगर इनके अंदर ज़रा सी भी गैरत है तो ये रिज़ाइन दे के इस मुल्क को सच्चे पाकिस्तानियों के हवाले करके यहाँ से चले जाएँ। ना सिर्फ चले जाएं बल्कि इनके खिलाफ FIR कटवानी चाहिए। जहां ताहिरुल कादरी के 14-15 लोगों को इन्होंने शहीद किया है, वजीर अला नवाज शरीफ और वजीर अला शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये दोनों कातिल हैं। इनके खिलाफ FIR कटवानी चाहिए और इनको जेलों में बंद करना चाहिए। हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती यही है, जो गरीब पे ये लोग लागू करते हैं कानून, वही इन वजीरों और मिनिस्टरों पे भी लागू होना चाहिए। इसके बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। यही बात इमरान खान और ताहिरुल कादरी की है कि ये रिज़ाइन दें और यहाँ से चले जाएँ। ये आवाज़ मेरी नहीं बल्कि यूके के रहने वाले सारे मुसलमान पाकिस्तानी यही चाहते हैं। इसको हम पसंद करते हैं, नहीं करते पसंद। इमरान खान हमारा लीडर है, वो जब तक वहाँ पे बैठा है, हम सब यूके पाकिस्तानियों की सपोर्ट उसके साथ है, हम सब उसके साथ हैं। कोई हमारे इमरान खान को यहाँ से नहीं हटा सकता बगैर रिज़ाइन किए। ये लोग सौदेबाज हैं, ये अमेरिका का पेट है, ये अमेरिका का पेट है। ये हमेशा उसे दौलत लेते डॉलर फेंको और ये उसी की, अभी भी उन्होंने ये क्या ऐलान किया है कि भाई इलेक्शन सही कराए गए हैं, इसलिए कि अमेरिका का पेट है ये। इसको यहाँ से भगाओ, इमरान खान को लाओ। ताहिरुल कादरी, इमरान खान दोनों मिलके दो ऐसी कुव्वते हैं जो इनको किक आउट कर सकते हैं। आज जब ये जरदारी बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है? जब ये इन नवाज इसकी जरदारी की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? बाहर निकलो, क्यों जंगले में बैठे हुए हो? ये किस बात की बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? इन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज देखी है कि ये किस तरह गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं? ना सिर्फ ये बल्कि वजीर दाखला निसार चौधरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इतनी गलीज जबान इस्तेमाल की जो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकती। इनको अपना वक्त अपना दौर भूल गया है कि ये लोग किस कदर गंदी और नंगी गालियाँ दी थी इन्होंने। आज ये कहते हैं इमरान खान, इमरान खान ने क्या कहा? सिर्फ बेगैरत कहा है। वो सिर्फ इमरान खान ने नहीं कहा बल्कि हम सब पाकिस्तानी कहते हैं ये बेगैरत इंसान है, इनको निकल जाना चाहिए। इनके इनके अंदर ज़रा सी भी शर्म और हया है तो ये लोग रिज़ाइन करके अवाम को अच्छे इमरान खान के हवाले कर दें। उससे बेहतर इस कौम को कोई नहीं चला सकता। हम सब, ये मेरा मैसेज ना सिर्फ मेरा है बल्कि यूके के रहने वाले पूरी आवाम, पूरे पाकिस्तानी, हम इमरान खान तुम्हारे साथ हैं। हमारा दिल और जान, हम वहाँ नहीं आ सकते तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। उस वक्त तक करेंगे जब तक ये नवाज शरीफ साइन नहीं कर देता। शुक्रिया।